नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, की जैसा कि बात करने वाला हूं रीट की अपडेट पर, यानी कि आप सभी ने देखा कि बीकानेर निदेशालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जहां पर कहा गया कि विशेष शिक्षक यानी कि जो डीएड स्पेशल एजुकेशन करे हैं वो सामान्य शिक्षक में पात्र नहीं है, जो सामान्य शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अभी आपको एनसीटी की गाइडलाइन में दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर के साथ में हो रहा है धोखा, भर्ती नहीं करना चाह रही सरकार, क्योंकि अगर ऐसा करेगी सरकार तो सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जागरूक हैं, वे सभी जानते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन का जो है वो उल्लंघन कर रही है सरकार, और ऐसे में वो लेंगे कोर्ट की शरण। और जब कोर्ट की शरण लेंगे तो सीधी सी बात है कि भर्ती प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। और इसी कारण दोस्तों, जितने भी लोग हैं ये चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया सही से निपटे। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया सही से निपटे तो राजस्थान सरकार को क्या करना होगा, जो भी एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार भर्ती करनी होगी। अगर उससे भी हट करके राजस्थान सरकार भर्ती करती है तो ये एनसीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, और उस उल्लंघन के लिए आप सभी को पता है कि आपको क्या करना है, कोर्ट जाना है, कोर्ट केस करना होगा। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कोर्ट केस करने के लिए तत्पर भी बैठे होंगे, क्योंकि सभी का हक यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स की जब बात आती है तो राजस्थान सरकार कहती है कि हम आपके लिए विश्वविद्यालय बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे और विशेष बालकों को विशेष शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन एक तरफ सरकार कहने के बाद में दूसरी तरफ ये भी कहती है कि सामान्य में जो डीएड के स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं वो सामान्य में भर्ती नहीं हो सकते। तो क्या कुछ कहा जाए, एक तरफ कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और दूसरी तरफ सामान्य शिक्षकों में डीएड स्पेशल एजुकेशन को नहीं बनाया जाता। जैसा कि मैंने दोस्तों बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि बहुत ही बड़ा राज्य है और यहां पर आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से भर्तियां आती हैं। जैसे कि पिछली दो भर्तियां 68,500 की और 69,000 शिक्षक भर्ती, दो बड़ी भर्तियां हुई और दोनों बड़ी भर्तियों में उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों बराबर का हक दिया गया डीएड स्पेशल एजुकेशन को। तो राजस्थान में क्यों नहीं दिया जा रहा है डीएड स्पेशल एजुकेशन को बराबर का हक? अभी मैं आपको एनसीटीई की गाइडलाइन दिखाने वाला हूं और उस गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं एनसीटीई की गाइडलाइन क्या कुछ कहा गया है। वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा, सभी को जागरूक बनाना है और अपने स्पेशल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन किया है, हमने किया, अगर हम अपनी ही बातों को दबा करके रखेंगे, अपनी बातों को हम ओपन नहीं कर सकेंगे तो दोस्तों नुकसान किसका होने वाला है? जाहिर सी बात है कि नुकसान अपना ही होने वाला है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं एनसीटी की गाइडलाइन क्या कुछ कहा गया है एनसीटी की गाइडलाइन में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं भारत का राजपत्र, और यहां पर देख लीजिए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 31 मार्च 2010 की अधिसूचना 750 के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद् द्वारा अनुसूचित की तिथि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 की धारा 2 के खंड ढा में संदर्भित स्कूलों में 1 से 8 तक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योग्यता 1 से 5 की, और पहला ही पॉइंट दिया गया है कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, एवं देख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो आपका स्पेशल बीएसटीसी कहा जाता हो, बीएसटीसी कहा जाता हो, किसी भी नाम से अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है दोस्तों तो आप उसके पात्र हैं। इसके बाद में हम दूसरी गाइडलाइन देख लेते हैं, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, साफ साफ दिया गया किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक पात्रता परिषद द्वारा मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यानी कि अगर डिप्लोमा आपने किया है वो किसी भी नाम से जाना जाता हो,
सीधी सी बात है, आपको भर्ती का हक पूरा का पूरा मिलना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं तीसरी गाइडलाइन में क्या कहा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र यानी कि BLED जिसको बोलते हैं, अगर आपने यह किया है तो भी आप इसके पात्र हैं। यहां पर आप देख लीजिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा, साफ साफ दिया गया है दोस्तों। किसी भी नाम से हो, विशेष शिक्षा नाम से हो, आपकी सामान्य शिक्षा नाम से हो, आप उसके पात्र हैं। अगर ऐसा सरकार करती है, इस गाइडलाइन का उल्लंघन करती है, तो साफ साफ सीधी बात है कि बच्चों को, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं भाई बहन हैं, सभी को कोर्ट की शरण लेनी चाहिए और फायदा कहीं ना कहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि विशेष शिक्षकों की भर्ती, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम भर्ती करेंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और दूसरी तरफ अगर विशेष शिक्षकों की भर्ती की ही नहीं जा रही है या कम तादाद में की जा रही, सामान्य को उनका मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो दोस्तों किस प्रकार का न्याय। अगर न्याय चाहिए तो दोस्तों आपको दिखानी होगी ये गाइडलाइंस, और अगर आप ये गाइडलाइंस, NCTE की गाइडलाइंस अगर आप दिखाते हैं तो फायदा तो जरूर मिलने वाला है। तो जागरूक हुई दोस्तों, वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सभी के पास शेयर कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्या कुछ करना होगा आगे की न्यूज के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।